प्रशांत जी नमस्कार। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। सर बताइए क्या करना चाहिए जिनके पास है और जिनके पास नहीं है दोनों के लिए। जी निपे जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को हम देखें फ्यूचर्स में, हम 22,100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अब आपके लिए बहुत सिंपल रणनीति है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 21,920 21,940 के जोन में स्टॉप लॉस रखिए, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो स्ट्रेट 21,990 यानी जस्ट 22,000 के नीचे फ्यूचर्स में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको होल्ड करना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाए प्रॉफिट्स बुक करके बाहर हो जाइए। और फ्रेश खरीदी अगर कोई करना चाहे निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है इस लेवल पे, फ्रेश खरीदारी थोड़ी रिस्की हो जाएगी, बट आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर लेना चाहते हो, बट वो एक हैफेजार्ड एंट्री होगी, एक मिडवे एंट्री होगी। तो लॉजिकल तरीका यही है कि आप एग्जिस्टिंग पोजिशंस को ट्रेल करो। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, अब थोड़ा सा जो पिक्चर लास्ट वीक का था उससे एग्जैक्टली रिवर्स हो चुका है, यानी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है और निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो करीबन फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 48,400 ऑलमोस्ट उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है, जो एक पहले की गैप थी, वो है करीबन 48,550 करीबन करंट जो प्राइस है वहां से 150 पॉइंट ऊपर 150। तो ये 150 पॉइंट ऊपर अगर आज हम क्लोज होते HDFC बैंक के नतीजों की वजह से या किसी भी वजह से, बट अगर हम 48,550 के ऊपर क्लोज होते हैं फ्यूचर्स में, तो मुझे लग रहा है स्ट्रेट 500 पॉइंट्स का एक लेवल ओपन होता है, जो हमें 49,000 से लेके 49,200 तक लेके जा सकता है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बाय रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 47,900 और यहां से टारगेट रखेंगे 49,000 का। निफ्टी सिर्फ होल्ड होना चाहिए और ट्रेलिंग करना चाहिए। दो शेयर आज हमने रखे, एक तो गुजरात गैस से आज फिर से 12 रुपये ऊपर है। आपको ध्यान होगा गुजरात गैस कुछ दिन पहले हमने आपको नोटिस करवाया था, एक प्रोमो के जरिए भी आपको बताया था कि गुजरात गैस अब बिल्कुल चलने को तैयार हो चुका है। एक बेस्ट गैस वाली कंपनी मैं आपको दे रहा हूँ जिसके दिन फिर रहे हैं, आपको ध्यान होगा अच्छे से। और वहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ क्या शानदार हुआ, 550 रुपये, यानी कि अगर हमने आपको 500 रुपये के इर्द गिर्द भी बताया तो 50 रुपये का गेन आप ऑलरेडी इस शेयर के अंदर लेके बैठे हो। लेकिन अभी क्या करना चाहिए ये समझ लेते हैं उनसे। और साथ ही साथ दूसरा शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक, ये शेयर भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। प्रशांत जी दोनों शेयर्स के बारे में जरा बता दीजिए, गुजरात गैस और IDFC फर्स्ट। तो दीपी जी, गुजरात गैस के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा स्ट्रेस्ड है, पर यहाँ पे रिस्क ली जा सकती है क्योंकि शेयर मोमेंटम में और वॉल्यूम्स भी डिसेंट है। तो 550 के जस्ट इर्द गिर्द और 555 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। आपका जो अभी स्टॉप लॉस आइडियली होना चाहिए वो होना चाहिए पोजिशनली 530, बट हम ट्रेडिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से 545 545 के जस्ट नीचे यानी 544 ये स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट यहां से रखेंगे 570 से लेके 575 का। सो 544 का स्टॉप लॉस, 570 का टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। और अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक को देखूं तो यहाँ पे जो आज का हाई बना है ऑलमोस्ट 90 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसको आप 90 के ऊपर अगर बाय करो तो आपको मोमेंटम मिलेगा। अब अगर करंट लेवल पे बाय करना चाहो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 86.86 और यहाँ से जो टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं, यानी 2.5 पॉइंट आपके रिस्क होगी। जो टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं करीबन 92.50 से लेके 93 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लेवल होगा, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन का ऊपरी रेंज हम टारगेट रखेंगे। तो दोनों ही बाय किए जा सकते हैं और दोनों में ही स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है, दोनों में स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। 86 का स्टॉप लॉस है, 2.5 रुपये जाएंगे और करीब 4 रुपये आ सकते हैं, रेशियो हो गया 1:2, पास हो गया IDFC फर्स्ट बैंक। दूसरा गुजरात गैस, जो एक मोमेंटम वाला शेयर हमने आपको नोटिस करवाया हुआ है, 575 तक जा सकता है, 544 का स्टॉप लॉस है। देखिए मैं आपको दो हिस्सों में बंटवा देता हूँ गुजरात गैस। पहला जो अभी आ रहे हैं ना, तो 50 पॉइंट छोड़ के आ रहे हो आप अगली वाली रैली के अंदर हो, यानी कि आपने ऑलरेडी एक राउंड की तेज़ी खो रखी है, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। लेकिन जिनके पास पुराना खरीदा हुआ है, मान लो 500-510 के आसपास का, वो एक बार ट्रेल पर करते चले, यानी कि 44 पे कटवाएं, जैसे 44 के ऊपर आए फिर एक बार अगर एंट्री करना हो तो फिर से एंट्री कर ले, फिर से 44 का स्टॉप लॉस दे दे उसको, ठीक है। तो
तो कहने का मेरे मतलब ये है कि गुजरात गैस के अंदर दम तो है, लेकिन थोड़ा समझ के और सूझबूझ के साथ काम करने की इस समय ज़रूरत है। मार्केट क्या कर रहा है, रेंज में शेक कर रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान निफ्टी हरे निशान में आ गया था, इसी कार्यक्रम के दौरान निफ्टी वापस से लाल निशान में और 30 पॉइंट नीचे चला गया। तो क्या है ना, 30-40 पॉइंट को तो देख ही नहीं रहा मार्केट। हो क्या रहा है, उससे आपका कन्विक्शन लॉस हो रहा है, ये आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ठीक, आगे बढ़े। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे रख लेते हैं सर के सामने, इंडिया मार्ट और मारुति। एक बार इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो प्रशांत जी, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। तो निपि जी, इंडिया मार्ट को मैं अवॉइड करूंगा, ये जस्ट बेस फॉर्मेशन कर रहा है। बट इसके साथ एक डेफिनेटली चीज ऐड करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो एक पोजिशनल ट्रेडर है तो वो कैश में लेना चाहते हैं, वो इस लेवल में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 2530, 2530, और आप एक्यूमुलेट कीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है 2800 से लेकर 2850 तक। ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इस लेवल पे इसको टच नहीं करूंगा। मारुति में मुझे लग रहा है एक डबल बॉटम बनने के बाद एक अच्छा बेस फॉर्म होके मोमेंटम पिक हो रहा है धीरे धीरे, और हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय रेकमेंड करूंगा मैं। 10,220 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 10,140, 10,140 से लेके 10,120 के जोन के बीच, और आप यहाँ से टारगेट रखिए 10,400 से लेके 10,500 का। इनफैक्ट इसकी जो 10,200 की कॉल है जो करीबन 170-172 पे चल रही है, इसको आप 130 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो, 130, और यहां से आपको टारगेट मिलने चाहिए करीबन 230 से लेकर 240 के। ठीक है, एक बार स्ट्राइक मारुति की सर वापस से बता दीजिए। 240 हमने टारगेट रख दिया, 130 की बाय करनी है, स्ट्राइक वापस से बताओ सर। 10,200, 10,200 की स्ट्राइक। ठीक है, और एक स्टॉप लॉस भी बता दो सर, 136 पे लेना है, 240 का टारगेट है, 10,200 की स्ट्राइक है, स्टॉप लॉस। 140 के जस्ट नीचे, तो आप 135, 138 के जोन में स्टॉप लॉस रख सकते हो। डिविस लैब और इन्फो एज दो ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे बिकवाली हो रही है। मैं दोनों के बारे में एक राइडर आपको दे दूँ, इन्फो एज भी स्ट्रक्चरली मजबूत शेयर है और डिविस लैब स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है। क्या इन दोनों में जो बिकवाली हुई है इस शेयर को और कमज़ोर वापिस से कर देंगी, जरा चेक करवाना ज़रूरी है। इन्फो एज और डिविस लैब में कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। हालांकि इनके डीएनए देख के अब ऐसा लगता नहीं है कि इनमें बहुत लंबे शॉर्ट्स बनेंगे। तो डिम्पी जी, यहाँ पे डिविज लैब में एक थोड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो। अभी हम 3,825 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 3,870-75 आइडियल स्टॉप लॉस 3,875, 3,875, 1% से थोड़ी सी ज्यादा रिस्क होगी। और मुझे तो चाहिए तो आप थोड़ा पुल बैक पे शॉर्ट कर दो, यानी करीबन 3,835 तक आने पे, बट स्टॉप लॉस होगा 3,875, और आपका जो टारगेट होगा ये ब्रेक डाउन पे वो होना चाहिए 3,750 से लेके 3,700 के आसपास ओवरऑल। और मुझे लग रहा है वहां पे एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। जहां तक इन्फो एज की बात है यानी नौकरी की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी ब्रेक डाउन कन्फर्म नहीं हुआ है, और एक अहम सपोर्ट पे हमें। दूसरी बात, कल के और परसों के जो वॉल्यूम्स थे यानी शुक्रवार के, वो स्ट्रांग थे, तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। और ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, बट डिविज लैब में आप एक शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिविस आपने बताया आप इसको शॉर्ट करेंगे बट इन्फो एज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इन्फो एज इकलौता ऐसा शेयर है जो अभी तक ड्रॉप हुआ है, डिविस भी पास होके आ गया, स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट करते जाइएगा। चौथा और ये डिविस मिला के पाँचवा शेयर अब तक हो चुका है जिसमें आपको ट्रेड मिला है। हम कुछ और शेयर भी पता करते हैं, लेकिन उससे पहले सर के जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? तो डीपी जी, एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है अच्छा अच्छे लेवल पे है और यहाँ से पिकअप हो सकता है, वो है एबीबी। इसके हायर टाइम फ्रेम बहुत बुलिश है, तो यहाँ पे 4,720, 4,720 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट रखिए 4,900, 4,900। नेक्स्ट पिक मेरा होगा काफी दिनों बाद एशियन पेंट्स, मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस बन चुकी है, यहाँ से पिकअप हो रहा है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 3,260, 3,260, और टारगेट रखेंगे 3,375, 3,375। सो एबीबी और एशियन पेंट्स, ये दो पिक होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज अच्छे से हमको ट्रेड बताए और उम्मीद करते हैं इन सभी ट्रेड्स का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा।